विद्यालय. Today we are going to discuss about the flowchart for two algorithms, that is nothing but addition of two numbers as well as swapping of two numbers. Fine. इसके पहले हम लोगों ने algorithm क्या है वो देखा है. हम लोगों ने algorithms भी देखे हैं कि दो numbers की addition करनी है. So how can you write the algorithm as well as if you want to swap with two numbers, then what will be the algorithm for it? Fine. Again, we have studied the algorithm for factorial of any number as well as to generate a Fibonacci series, and at last we have studied the algorithm for binary search. Okay, now we have to focus on flowchart, because flowchart is what? It is nothing but the diagrammatic representation of the algorithm. ठीक है, हमारे प्रोग्राम में क्या होने वाला है अगर उसको आपको डायग्रामेटिकली देखना है तो हम क्या करते हैं, फ्लोचार्ट ड्रॉ करते हैं. क्योंकि आप कोई भी चीज देखो, अगर आप एक आधी चीज बुक्स में पढ़ रहे हो तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान में नहीं रहेगी. अगर वही बुक की चीज अगर आप एक आधी पिक्चुरियल फॉर्मेट के फॉर्म में अगर देखते हो तो वो अच्छे से ध्यान में रहती है और आपको क्लियर कट आपकी इमेज क्लियर हो जाती है एग्जैक्टली उसमें क्या दिया है. तो फ्लोचार्ट से भी वही पता चलता है. हम लोगों ने एल्गोरिथम तो लिखा लेकिन एल्गोरिथम से कुछ कुछ चीज क्लियर नहीं होती है जो चीज हम फ्लोचार्ट ड्रॉ करके क्लियर कर सकते. क्योंकि फ्लोचार्ट से नाम से ही पता चल रहा है कि वो चार्ट में कहां से कहां फ्लो जा रहा है. ठीक है, और हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को प्रोग्राम क्या है वो पता रहना चाहिए, एल्गोरिथम कैसे ड्रॉ कर एल्गोरिथम कैसे लिखना है वो पता रहना चाहिए और उसी का रिस्पेक्टिव फ्लोचार्ट ड्रॉ कर जाना चाहिए. ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में आई हैव टीच यू दैट व्हाट आर द सिंबल्स रिलेटेड विद द फ्लोचार्ट. ओके, इफ यू डिडंट वॉच दिस वीडियो देन प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन लुक दिस वीडियो. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द फ्लोचार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स में क्या होता है बेटा. सबसे पहले हमें दो नंबर्स लेने पड़ेंगे ए और बी. ठीक है, फिर इन दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा और तब जाके ये नंबर किसी थर्ड वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. क्लियर? ओके, तो हमारी पहली स्टेप क्या है, एल्गोरिथम कैसे लिखते हो आप? सबसे पहले एल्गोरिथम लिखेंगे. फर्स्ट एल्गोरिथम में क्या है, स्टार. फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, रीड ए एंड बी, मतलब दो नंबर्स को रीड करो ए और बी को. ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, कंप्यूट या फिर वी कैन से दैट कैलकुलेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, ए और बी की एडिशन कर दी और आपको क्या करना है, अभी रिजल्ट इससे करवाना है. तो सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, प्रिंट सी, मतलब सी में जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करना है और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम खत्म होता है. इसलिए आप क्या करो बेटा, स्टॉप करके लिखोगे. फाइन, सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ दी फ्लो चार्ट फॉर दिस रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम. सो योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्टार्ट. स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम क्या लिखते हैं, एलिप्स. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने फ्लो चार्ट के सिंबल्स का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो वीडियो चेक करें, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट और स्टॉप के हम क्या लिखते हैं, एलिप्स लिखते हैं. देखो, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, इट इज नथिंग बट एलिप्स, इट इज नथिंग बट व्हाट, स्टार्ट. यहां से आपका एकदम स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, रीड ए एंड बी. और फिर से आप एक बार बताती हूँ कि रीड और प्रिंट, मतलब जो डेटा आप इनपुट ले रहे हो और जो डेटा आप आउटपुट दे रहे हो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करें बेटा, पैरेललोग्राम. ठीक है, और एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लो लाइंस. ठीक है, ये क्या बेटा, आपके फ्लो लाइंस या फिर एरो लाइंस. अब आप क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो तो क्या आएगा, पैरेललोग्राम आएगा. उसमें क्या लिखोगे आप, रीड ए एंड बी. सो यू हैव टू राइट हियर रीड ए एंड बी. फाइन, ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कंप्यूट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. आपको क्या करना है, वो इक्वेशन लिखना है और अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रेक्टेंगल. ठीक है, ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर रेक्टेंगल और बी इज रेक्टेंगल, यू हैव टू राइट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. फाइन, ओके, नाउ एट लास्ट वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट. और आपका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर है, वेरिएबल सी में स्टोर है. क्योंकि जो भी एडिशन आप कर रहे हो वो कहाँ पे जाके स्टोर होने वाली है, रजिस्टर सी में. तो
करते हैं, राइट। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन इजीली टेक इट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये बेटा फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है, फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स की वैल्यूज को आपको एक्सचेंज करना है, तो लॉजिक क्या है? सबसे पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। और फिर से मैं आपको क्या बताऊंगी, पहले एल्गोरिथम बताऊंगी और फिर हम उसका फ्लोचार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। फिर सेकंड स्टेप क्या है बेटा, दो नंबर्स के एक्सचेंज करना है, ठीक है। दो नंबर्स को स्टोर करने के दो वेरिएबल्स लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर्स को रीड करेंगे, रीड ए एंड बी, वही स्टेप आएगी। अब फिर यहाँ पे आपका एक्चुअल लॉजिक, मतलब क्या होगा, टेंथ नंबर का वेरिएबल लेंगे, टी इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टी, मतलब ए की वैल्यू जाएंगी टी में, बी की वैल्यू जाएंगी ए में और टी की वैल्यू जाएंगी बी में। अगर फिर से आपको ये एल्गोरिथम नहीं समझ में आया है तो आप इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने एल्गोरिथम बताया है, ठीक है, फाइन। और फाइनली यहाँ पे आपका एल्गोरिथम स्टॉप होता है, तो आपको क्या करना है, आपने रीड ए एंड बी करा, ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपने एक्सेप्ट की, फिर आपने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, और एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट वैल्यूज ऑफ, मतलब जो एक्सचेंज हुई वैल्यूज है उसको हम क्या करना है, डिस्प्ले करना है एंड फाइनली स्टॉप, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फ्लो चार्ट, सॉरी एल्गोरिथम फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ टू नंबर्स। अभी हम इसका क्या निकालेंगे, फ्लो चार्ट निकालेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलएक्स, ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे एलएक्स में लिखा स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या है, रीड। रीड मतलब क्या है, इनपुट ले रहे, इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, रीड ए एंड बी। फिर बाद में आपको क्या करना है, ये स्टेप्स लिखना है, टी इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ पे अल्टीमेट आप इसमें क्या करोगे, जो ए की वैल्यू है वो टी में जा रही है, जो बी की वैल्यू है वो ए में जा रही है, और जो टी की वैल्यू है वो जा रही है बी में, तो आपको इसी तरह से लिखना है, तो आप वन बाय वन लिखो। और ये क्या बेटा, जहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आया, मतलब जहाँ पे आप इसका कुछ क्या कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि ये ऑपरेटर है, तो आपको ये क्या करना है, कोई भी एक्सप्रेशन रेक्टेंगल में लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है, ए की वैल्यू जाएंगी टी में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी की वैल्यू जाएंगी ए में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टी की वैल्यू जाएंगी बी में। अगर आपको ये तीन बार नहीं लिखना है तो आप एक ही बॉक्स में ये तीनों भी स्टेप्स लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों भी स्टेप्स कंप्लीट कर दिए। फाइनल क्या है, यू हैव टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्योंकि स्वैपिंग करने के बाद अज्यूम करो ना कि ए में अगर 10 है और बी में अगर फॉर एग्जाम्पल 15 है, तो स्वैपिंग करने के बाद क्या होगा, उसी की लॉजिक क्या कहता है, टी इक्वल्स टू ए, मतलब टी में क्या जाएगी, ए की वैल्यू जाएगी 10, ठीक है। फिर ए इक्वल्स टू बी, मतलब बी में जो वैल्यू है वो जाएंगी ए में, दैट इज बट 15। उसके बाद बी इक्वल्स टू टी, टी में क्या है 10, हो जाएगी, मतलब आफ्टर स्वैपिंग ए में क्या गया 15 और बी में क्या गया 10, और बिफोर स्वैपिंग क्या सिचुएशन था, ए में 10 था बी में 15 था, तो आप क्या करना है, फाइनल वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट ए एंड बी, मतलब प्रिंट है इसका मतलब, जैसे यहां पे क्या आएगा, आउटपुट स्टेटमेंट, यहां पे क्या लिखोगे, प्रिंट ए एंड बी। और फाइनली यहां पे आपका एल्गोरिथम क्या हो रहा है बेटा, स्टॉप हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा एलिप्स में, देयर इज नथिंग बट स्टॉप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन इजीली टेक, ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एज वेल एज द टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज, ओके। So if you really like this video, then don't forget to hit the like button and share this video, as well as to get the notification of new videos, please subscribe our channel of Advocate Yadavara Dhote Mahavidyalaya. Thank you so much for watching this video.